नमस्कार, मैं हूं विकास कुमावत। माई सेल्फ डॉक्टर रवि चांगड़। और आज हम गुरु नीति का नेक्स्ट जो टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन वो ले रहे हैं, नेक्स्ट एपिसोड। पिछली क्लास में हमने जो है वो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी कि मोल कंसेप्ट का सेकंड पार्ट हमने देखा था। आज 3/45 गुरु नीति में हम हर एक टॉपिक में से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं जिनमें सारा चैप्टर जो है वो कवर होता है, पूरे के पूरे कंसेप्ट वहां पे आ जाएं, सारे कंसेप्ट कवर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर एक से। पहला बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन हैज अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कुछ रूल्स होते हैं। बिल्कुल, वो रूल्स जो है वो आपने पढ़े होंगे कि जैसे हाइड्रोजन का जो है वो हम जनरली +1 लेते हैं, लेकिन अगर मेटल के साथ में है तो -1। हाँ, मेटल के साथ अगर मेटल हाइड्राइड आ जाए तो -1। फ्लोरीन का हमेशा जो है वो 0 के अलावा -1 होता है हमेशा। ठीक है, किसी भी एलिमेंट की इसकी फ्री स्टेट में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ऑक्सीजन का जो है वो यहाँ पर हम कितना लेते हैं, जनरली -2 लेते हैं, बट वेरी हो सकता है, वेरी हो सकता है कि अगर ऑक्सीजन -2 में है तो इसको क्या बोलते हैं सर, ऑक्साइड बोलते हैं। ऑक्सीजन जो है वो अगर -1 में है तो इसको हम बोलते हैं परऑक्साइड। और ऑक्सीजन जो है वो अगर -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तब इसको हम बोलते हैं क्या, सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। और -1/3 है तो ओजोनाइड कहते हैं। ओके, -1/3 होता है तो इसको जो है वो हम क्या बोलते हैं, ओजोनाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास ऑक्सीजन की कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसको O2-2 से भी इंडिकेट करते हैं और इसको O2-1 से भी इंडिकेट करते हैं। ठीक है, वो O3- से। ओके, और ये वाला जो है वो अपने पास हो जाएगा O3-1, तो एक ऑक्सीजन पर -1/3 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ये पूछा है कि ऑक्सीडेशन नंबर का जो ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। ठीक है, चेक करते हैं जो भी 3-4 एलिमेंट है, क्योंकि सब में एलिमेंट अपने पास कैसे हैं, सेम ही, सेम एलिमेंट है। ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में चेक करना। ऑक्सीजन जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो फ्लोरीन के साथ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है। क्यों सर? तो यहाँ पर जो है इसका कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। KO2, तो KO2 में आप देखोगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना होगा, -1/2। इसका मतलब ये क्या है, ये सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, जिसको O2 कैप्सूल बोलते हैं। हाँ, ना बिल्कुल। BaO2, तो यहाँ पर जो है BaO2 जो होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन -2 में है और O2-2 में, यानी कि -1 में हो गया। ठीक है, पर ऑक्साइड हो गया। और O3 में जो कितना हो गया, 0 हो गया। ओजोन में ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा तो किसमें हो गया सर, OF2 में सबसे ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल, फिर किसमें आ जाएगा, O3 में आ जाएगा, क्योंकि 0 है। फिर आ जाएगा किसमें, KO2 में आ जाएगा। और सबसे कम किसमें हो गया, BaO2 में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। और सीधा सा कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, आपको केवल एक बार रूल की रीडिंग करनी है, रूल्स पढ़ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा सर, एस फॉर O6-2 इज द ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ H2O3-2। मतलब इसके ऑक्सीडेशन से, इसके ऑक्सीडेशन से हमें S4O6-2 मिलेगा। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एटम्स इन दिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रेस्पेक्टिवली। अच्छा, मुझे स्ट्रक्चर ऑलरेडी दे रखा है, स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का एक छोटा सा मेथड मैं पहले समझा देता हूं, फिर इसके बाद में हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। जैसे मान लो हमारे पास कोई दो एलिमेंट है, मान लो ए और बी है। ठीक है, और मैं कहता हूं कि मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, कि अगर ए की विद्युत ऋणता बी से ज्यादा है, तो ए और बी या फिर ए और ए या फिर बी और बी में किस किस तरीके की बॉन्डिंग हो सकती है। तो यहां पर देखते हैं, हो सकता है ए और ए आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े, या फिर डबल बॉन्ड से जुड़े, या फिर हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े। ये एक आसान सा तरीका है जो मैं आपको स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर बताने के लिए बता रहा हूं। तो ये भी हो सकता है बी और बी जुड़ सकता है, या फिर हो सकता है ए और बी के बीच में बॉन्डिंग हो, सर सिंगल बॉन्ड बन सकता है या डबल बॉन्ड बन सकता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, एक तरीके का और बॉन्ड होता है जिसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो ये हो सकता है भैया ए कोऑर्डिनेट टू ए बने, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है बी कोऑर्डिनेट टू बी बने, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है बी कोऑर्डिनेट टू ए बन जाए, या फिर ए कोऑर्डिनेट टू बी बन जाए। हमारे पास किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर में आपको इनके अलावा और कोई बॉन्ड दिखाई नहीं देगा। आयनिक बॉन्ड की बात अलग है, वहां पर तो डायरेक्टली आपको चार्ज दिखाई दे जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो है इनके अलावा कोई दिखाई नहीं देगा। अब देखो जरा कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो एक तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से जो चार्ज डेवलप होता है वो अपन उसको इमेजनरी या जो रियल चार्ज होता है उसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं।
बिल्कुल। अब सर यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना अच्छा हो जाएगा, सबका जीरो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो जीरो क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं आया। बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ए पर माइनस वन और बी पर जो कितना हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड है तो ए पर माइनस टू और इस पर प्लस टू हो जाएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इस पर माइनस थ्री और इस पर प्लस थ्री। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भले कैसा ही आ जाए, जो डोनर होगा उस पर हमेशा प्लस टू, बिल्कुल, और एक्सेप्टर पर माइनस टू, क्योंकि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही बॉन्ड एक ही एलिमेंट के होते हैं, तो इस पर जो प्लस टू ये माइनस टू, ये प्लस टू ये माइनस टू, ये प्लस टू माइनस टू, एक स्पेशल केस होता है। ये स्पेशल ऐसा है कि इफ डोनर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सर जनरली क्या होता है कि जनरली जो है वो डोनर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बिल्कुल, लेकिन अगर ऐसा केस आ जाए, जैसे सर कोई केस दिमाग में आ रहा है, इस कंसेप्ट को अप्लाई करके किसी भी स्ट्रक्चर में किसी भी एलिमेंट का आप ऑक्सीडेशन नंबर आसानी से निकाल सकते हो। अब हम चलते हैं सर अपने कंसेप्ट की तरफ, क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन जो है वो अपना ये है, तो इस क्वेश्चन में आपको सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। देखिएगा सर, सर भाई जैसे अभी हम लोगों ने बात की थी सल्फर और सल्फर जो है ये जो सेम एलिमेंट हो गया, बिल्कुल, तो यहाँ तो इसके रेस्पेक्ट में तो जीरो हो गया, बिल्कुल, इसके रेस्पेक्ट में इसका जीरो और इसका भी जीरो। इसके रेस्पेक्ट में बात करूँ तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये माइनस टू, इसका माइनस टू जाएगा, डबल बॉन्ड है और ये प्लस टू हो जाएगा। ऐसे ही सेम नीचे की तरफ, यहाँ पर भी माइनस टू और यहाँ पर प्लस टू, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो माइनस वन और ये प्लस वन, यानी ये वाला जो प्लस फाइव में चला गया। और अगर इसको देखो सेम टू सेम, ये भी ऐसा ही है प्लस फाइव, ये भी प्लस फाइव, ये जीरो हो जाएगा, बिल्कुल, दोनों का एक दूसरे की वजह से जीरो, यानी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा प्लस फाइव जीरो जीरो प्लस फाइव, ये ऑक्सीडेशन। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। तो उम्मीद करते हैं स्ट्रक्चर से ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप सीख गए होंगे, सबसे सिंपल भी यही, बिल्कुल बिल्कुल, और स्ट्रक्चर से निकालना ही ज्यादा सही रहता है, बिल्कुल, क्योंकि कई बार हमारे पास जो है जैसे मैंने आपको दे दिया C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड, अब मैंने आपको इसमें बोल दिया कि भैया आपको कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, तो अब यहां से आप जब करोगे ना कि इसका जो है मान लो आपने x मान लिया तो प्लस थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो एक्स इक्वल टू प्लस फोर बाई थ्री, तो यहां से ये जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है। आपको यहां से ये पता नहीं चलेगा कि कौन से कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तीन है तो तीन में से किसका कितना है, ये चीज बताने के लिए हमें स्ट्रक्चर पर जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री। A mole of N2H4 loses 8 moles of electron to form a new compound. Why? मतलब एक compound है मेरे पास में N2H4, उसमें से 8 electron हम बाहर निकाल रहे हैं। मतलब N2H4 का अपने पास 1 mole है, और इसका 1 mole जो है वो 8 mole electron जो है वो बाहर कर दिए। ठीक है। एक नया compound बन रहा है Y। ये लो जी Y बना दिया। Assuming that all the nitrogen appears in the new compound, सारे nitrogen उसमें है। ठीक है। What is the oxidation state of nitrogen in Y? जो नया बना है उसमें nitrogen का oxidation state बनाना है। There is no change in the oxidation number of hydrogen. मतलब मुझे specially indicate किया है कि oxidation number जो change हो रहा है वो सिर्फ केवल hydrogen का change होगा। Hydrogen plus one है तो इधर भी hydrogen plus one ही। plus one ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो भी electron lose करेगा वो कौन करेगा? Nitrogen। Nitrogen। तो मैं यहाँ पर nitrogen का oxidation number निकाल लेता हूँ। बिल्कुल। तो nitrogen का oxidation number यहाँ पर कितना आ जाएगा सर? -2 आ जाएगा। ठीक है। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का देखें तो -4 है। दो का निकाल के दो का जो है वो आप निकालोगे तो दो पर टोटल चार्ज -4 आ जाएगा। आप सोचो जरा, इसके एक मोल में टोटल जो है वो अपने पास दो नाइट्रोजन, और दो नाइट्रोजन मिलकर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, क्यों सर? एक चार, तो एक चार करेगा, और एक माइनस दो से जब चार करेगा तो कितना चला जाएगा? माइनस दो में से माइनस माइनस फोर करके प्लस टू आ जाएगा, तो फाइनल यहाँ पर जो है वो एक नाइट्रोजन का प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऐसे क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको N2H4 दे, कोई भी कंपाउंड दे सकता है। हम जैसे आपको दे दिया कि भैया ClO3 माइनस है, तो क्लोरीन जो है वो इसने जो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, मान लो दो मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, नया ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है, कांसेप्ट आपके सामने, कांसेप्ट हमने आपको बता दिया कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज होगा ये चेक करना है। क्यों सर? बिल्कुल सिंपल सा कि -2 था उसमें से माइनस किया कितना, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव है, रिलेटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन? कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन? तो मतलब रेडॉक्स रिएक्शन भाई जहां पे भी अपने पास में ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो, मतलब एक रेडॉक्स भी होना चाहिए, रिडक्शन भी होना चाहिए और ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। तो यानी एक का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो जाए और किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाए, यही हमें चेक करना है। तो यहाँ पर चेक करते हैं, देखिएगा जरा, यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा सर? जीरो।
इधर Ag का जो है वो क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि किसी भी एलिमेंट की फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है। अगर मैं यहाँ पर Ag का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करूंगा तो यहाँ पर सोडियम का तो हमेशा प्लस वन, क्योंकि जो फर्स्ट A के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो हमेशा प्लस वन ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। Ag का मैंने मान लिया X, Cn का माइनस वन होता है, दो का माइनस टू इक्वल टू कितना हो जाएगा सर प्लस वन आ गया, एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास प्लस वन, यानी Ag जो है वो प्लस वन से जीरो में गया। ये क्या हो रहा है सर, प्लस वन से जीरो रिडक्शन हो गया, तो ये तो हो गया रिडक्शन, ठीक है। फिर जीरो यहाँ पर जिंक का चेक करते हैं तो वो अगेन सोडियम का जो है एक का प्लस वन तो दो का प्लस टू, प्लस एक्स सीएन का एक का माइनस वन तो चार का माइनस फोर हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा, तो ओवरऑल जो है कितना हो जाएगा प्लस टू, प्लस टू, तो यानी जीरो से प्लस टू, तो ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया, यानी ये तो रेडॉक्स है, रेडॉक्स है, तो पूछा है कौन सी रेडॉक्स है, तो यही रेडॉक्स, बाकी हमें चेक करनी है। तो भैया एक चीज में बता देता हूँ, आयन एक्सचेंज रिएक्शन जो है वो कभी भी रेडॉक्स नहीं होती है, हमेशा नॉन रेडॉक्स होती है। आप देखो BaO2 और H2SO4 एक तरीके से जो है BaSO4 H2O2 आयन एक्सचेंज, किसी के भी ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, तो नॉन रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। फिर जो है वो एसिड बेस रिएक्शन जो है वो भी हमेशा कैसी होती है, नॉन रेडॉक्स ही होती है एक तरीके से, न्यूट्रलाइजेशन। N2O5 यहां पर आप देखो कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस पांच है, यहां पर भी नाइट्रोजन प्लस पांच में किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं, नॉन रेडॉक्स। ये एक आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, देख ले जरा कि AgI बन गया AgNO3 से और KNO3 बन गया, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है। तो ये है भैया अपने पास क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा सर, MnO4 minus oxidizes H2O2 to O2 in acidic medium, ठीक है। अच्छा रिएक्शन मुझे दे रखी है, रिएक्शन दे रखी है एक्स वाई जेड, मतलब बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ओके। तो सर बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स के लिए दो मेथड अपने पास होते हैं बेसिकली, एक तो होता है सर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जो कि थोड़ा सा क्या होता है लेंथी होता है, अपन को जो है वो हाफ रिएक्शन में तोड़ना पड़ता है, फिर हर एक एलिमेंट को दोनों रिएक्शन को अलग अलग सॉल्व करते हैं, फिर लास्ट में जो दोनों में इलेक्ट्रॉन बराबर करके बाद बैलेंस करते हैं। बिल्कुल। एक हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, उससे हम थोड़ा सा आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, तो अपन उसी से इसको कर लेते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए हम सबसे पहले चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल निकालें, यानी एक तरीके से जो वैलेंसी फैक्टर है वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर Mn plus 7 से जो है plus 2 में जा रहा, कितने का चेंज हुआ सर, 5, 5 का चेंज हुआ, तो इसका चेंज आ गया कितना सर 5, 5। यहाँ पर आप देखो जरा H2O2 minus 1 है, O2 पर minus 1 से यहाँ पर 0 में चला गया, ठीक है। तो ओवरऑल जो है वो आप minus 1 से इसको 0 में भेज रहे हो, एक का चेंज हुआ, वैलेंस फैक्टर कितना आएगा, वैलेंस फैक्टर 2 आ जाएगा, क्यों, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल निकालना होता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे O2 है तो O2 के ऊपर माइनस टू, यहाँ पे माइनस टू से जीरो है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है इनमें इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल। तो इसको मैं कर दूंगा 2MnO4 minus plus 5 H2O2 is converting into Mn plus 2 plus O2 plus H2। अब देखना कि बेसिकली होगा क्या, अब ये फिक्स हो गए, इनको हमें नहीं छेड़ना है, बिल्कुल नहीं। हमें जो भी चेंज करना है ना सर वो इस तरफ करें, हालांकि इतने से अपना आंसर शायद आ सकता है, चेक कर लेते हैं। देखो Mn कितने होंगे, दो, और ये कितना होगा 5, तो 2 और 5 किस में है भैया, x और y, 2 और 5 इसी में, यानी ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आप चाहो तो बाकी चेक भी कर सकते हो, इधर क्या लगाऊंगा, 2 लगाऊंगा, और इधर जो है वो मेरे पास जो ऑक्सीजन कितने हो गए टोटल 18 ऑक्सीजन हो गए। अब आपको जो उधर ऑक्सीजन बैलेंस करना है वाटर जोड़ दो, बाकी सारे रूल वही है जो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O जोड़ते हैं, एसिडिक मीडियम में H+ जोड़ते हैं। इस रिएक्शन में इस मेथड की खास बात ये होती है, आपको चार्ज बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर आप सब कुछ सही करते हो तो फाइनली चार्ज अपने आप बैलेंस हो जाता है। तो ये है भैया अपने पास क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा सर, इफ इट इज नोन दैट Fe0.960 Fe इज प्रेजेंट इन +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ Fe+2 इन द कंपाउंड, ओके। मतलब कि सर एक तरीके से ये मुझे नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड, बिल्कुल नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड जो होते हैं इनमें जो रेशियो होता है ना सर वो एकदम फ्रैक्शनल होता है, फ्रैक्शनल में होता है, ठीक है ना। तो ये ऐसे कंपाउंड को नॉन स्टोइकोमेट्रिक बोलते हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको जो है एक काम करना, 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, Fe जो है वो मेरे पास 96 है और ऑक्सीजन आ गया 100 है, थोड़ा सा और अपन ने सिंपल ओवरऑल अगर चार्ज देखूं तो चार्ज सेम होना चाहिए क्योंकि कंपाउंड मेरे पास में न्यूट्रल है, कंपाउंड न्यूट्रल, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। और ये जो 96 है ये मुझे दो में डिवाइड करना, इसका मतलब 96 में से कुछ तो अपने पास Fe+2 है और कुछ कुछ अपने पास Fe+3 है। बिल्कुल। अब मान लिया x जो है वो Fe+2 है, ठीक है, 96 माइनस x जो है Fe+3, अब सबका चार्ज जो वो जीरो होना चाहिए पूरे कंपाउंड के लिए, शर्त यही है। हाँ, और ऑक्सीजन का एक का माइनस टू होता है। हाँ, तो 100 ऑक्सीजन के ऊपर माइनस 200 हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हमारी बात आपकी समझ में आ रही होगी,
आप देखो जरा कि एक आयरन पर प्लस टू है तो एक्स आयरन पर कितना हो जाएगा सर, टू प्लस टू एक्स, यहाँ एक आयरन पर प्लस थ्री है तो 96 माइनस एक्स पर कितना हो जाएगा, थ्री इंटू 96 माइनस एक्स। फिर देखो ऑक्सीजन जो है तो ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में है, ऑक्साइड पर माइनस टू होता है और माइनस टू है तो ये टोटल कितना आ जाएगा, माइनस का 200 और टोटल चार्ज जीरो। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते तो एक्स की वैल्यू जो है वो अपने पास निकल के आएगी सर कितनी, 88 आ जाएगी। लेकिन मुझसे जो है क्वेश्चन में सर होल फ्रैक्शन पूछा मुझसे नंबर, ये जो आपने जो बताया वो तो मुझे Fe plus 2 के नंबर बताया, यानी कि खुद के मोल अपॉन सबके मोल पूछे आपसे, तो टोटल मोल अपने पास कितने होंगे दोनों के मिला के, 96 और इसमें से जो Fe plus 2 के कितने हैं, 88। तो अपने पास जो आंसर आएगा ना वो अपने पास कितना आएगा, 88 अपॉन 96। इसको मैं सॉल्व करेंगे तो 11/12 आ जाएगा, 12 ठीक है, ये कैंसिल हो रहा है। तो भैया अपने पास ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है। ऐसे क्वेश्चन जो वो रेडॉक्स से भी रिलेट करते हैं, सेम तरीके के क्वेश्चन सर हम 12th क्लास में सॉलिड स्टेट में भी करते हैं, वहां से भी जो वो स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट नॉन स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट ऐसा क्वेश्चन जो हां, तो जो डिफेक्ट आते हैं ना वहां पर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो ये क्वेश्चन जो है वो मेरे ख्याल से आपको कांसेप्ट समझ में आ गया। चार्ज बैलेंसिंग का कांसेप्ट है, टोटल चार्ज जो है ना वो कितना होगा, कंपाउंड पर जितना होता है उसके इक्वल टोटल चार्ज आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 10 ml ऑफ नॉर्मल HCl, 20 ml of N2 H2SO4, 30 ml of N3 HNO3 are mixed together and volume made to 1 liter. The normality of the H plus in the resulting solution is, मतलब इतना HCl ये सब का मुझे सर normality दे रखी है, मुझे volume दे रखा है और overall जो volume है वो 1 liter कर दिया और 1 liter तक कर दिया, तो यानी dilution का concept हमें एक तरीके से लगाना है। तो देखिएगा कि आपको जो है वो NHCl, NHCl का मतलब normality कितनी है सर, एक normal है और ये जो इसका दे रखा है कितना, 10 ml। फिर जो आपको सेकंड चीज दे रखी है N/2 यानी कि 1/2 नॉर्मलिटी और ये H2SO4 इसका जो कितना, 20 ml। और फिर लास्ट में जो आपको दे रखा भैया N/3 और ये है HNO3 और इसका आपको कितना दे रखा है, 30 ml वॉल्यूम इसका दे रखा है। तो अब जो है वो ओवरऑल अगर हमें एच प्लस की कंसंट्रेशन निकालनी है तो इसके लिए ओवरऑल सोल्यूशन की जो नॉर्मलिटी है वो हम क्यों कुछ यू निकालते हैं, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम करते हैं, टोटल वॉल्यूम। कई बार जो है ना आपको ये नहीं बोलेगा इसमें, जैसे क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोलता कि रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो है वो 1 लीटर की है, तो इस केस में आप क्या करते हैं, इसका 30, इसका 20, इसका 10, तो 60 ml अपन लेते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3। लेकिन यहाँ पे मुझे स्पेसिफाई कर रखा कि टोटल वॉल्यूम 1 लीटर करना है, यानी नीचे वाला टोटल 1 करना है, इसका ध्यान में रखना आपको। तो नॉर्मलिटी जो है वो अपने पास 1, वॉल्यूम जो है वो 10 प्लस इसके केस में जो 1/2 और वॉल्यूम कितना दिया सर, 20 यहाँ पर 1/3 और टोटल कितना 30 और टोटल दे दिया कितना 1। लेकिन ये जो है वो सर किसमें है, लीटर में, अपन ऊपर में अपन ने ml में लिए, 1000 लगाना पड़ेगा, तो ये 10 आ गया, ये भी 10 आ गया और ये भी कितना आ गया सर 10, तो 30/30/1000 हो गया। तो कहने का मतलब अपने पास कितना आ गया, 3/100 यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो इसमें डाइल्यूशन का कांसेप्ट भी है साथ में, साथ में एक तरीके से जो आपको ये भी समझना है कि फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी हम कैसे निकालते हैं। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन अबाउट इक्विवेलेंट वेट ऑफ अंडरलाइंग स्पीसीज, मतलब कि सर मुझे कुछ रिएक्शंस दे रखी है और अंडरलाइन चीजों को अंडरलाइन किया गया है, उनका मुझे इक्विवेलेंट वेट इस तरफ जो मुझे दे रखा है उससे रिलेट करना है। ठीक है सर, ये तो मतलब कि अगर हम लोग देखें तो जैसे मुझे देखने से लग रहा है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो सर थोड़ा सा मैं पहले इसके बारे में बता देता हूं। बिल्कुल सर, तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमें एक तो चाहिए सर मोलर मास, दूसरी चीज हमें चाहिए सर वैलेंसी फैक्टर, कभी निकलता है। तो एसिड और बेस के केस में तो आज जैसा कि हमें पता है कि जितने H+ लिए OH- दिए, ठीक है, वो वैलेंसी फैक्टर होता है। एक रेडॉक्स रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स के चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, ठीक है, यहां तक भी ठीक है। लेकिन एक जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स अपने पास आ जाती है उसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, ये जो वैलेंसी फैक्टर निकालने का तरीका थोड़ा सा क्या होता है, अलग होता है। और ऐसा क्यों, मतलब सर ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो Br2 जो है ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है Br- और साथ में BrO3-, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है ना वो हम वैलेंस इफेक्ट जब निकालेंगे तो इसका देखो जरा, ये जीरो में है, ये -1 में है, यहाँ पर Br कितने में, +5 में है। तो अगर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालेंगे पर मॉलिक्यूल, तो यहां से यहां पर जो है इसने कितने का चेंज किया, एक का चेंज किया है। ध्यान से देखो, एक बीआर ने एक का चेंज किया तो दो बीआर और दो का चेंज करेंगे, तो
तो ओवरऑल दो का चेंज हुआ, और यहाँ पर हुआ क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुए, और यहाँ पर आप देखो कि जीरो से ये प्लस फाइव में जा रहा है, तो ओवरऑल चेंज कितने का होगा, दस का, क्योंकि एक बी आर ने पांच का किया तो दो दस का चेंज करेंगे, और यहाँ पर दस इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, तो ओवरऑल जो है इसमें दिक्कत यही होती है कि कितने लूज हुए कितने एक्सेप्ट हुए, इसका आइडिया हम ठीक से नहीं लगा पाते, क्योंकि डिस्प्रोपोर्शनेशन हम कहते ही उसे है कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन उसी सेम एलिमेंट का, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इस केस में जो है वो आपको अगर Br2 का निकालना है वैलेंस फैक्टर, तो इसको जो है वो आप n1 मान ले और इसको जो है वो आप n2 मान ले, ठीक है, और इसका जो वैलेंस फैक्टर आएगा n, तो रिलेशन ये होता है 1 by n is equal to 1 by n1 plus 1 by n2, तो n is equal to सर अपने पास आता है n1 n2 upon n1 plus n2, तो यहां पर मैं देखूंगा तो ये आ जाएगा 20 by 12, तो ये आ जाएगा कितना भैया, ये आ जाएगा 5 by 3, ये अपने पास इसका वैलेंस फैक्टर निकल के आएगा, यानी अगर आपको इसका पूछा इक्विवेलेंट मास, तो ये अपने पास आ जाएगा m by 5 और ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3m by 5, ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं अपन, बिल्कुल, तो देखिएगा सर अपने पास जो क्वेश्चन में सबसे पहला P2H4 दे रखा है, तो यहाँ पर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर जो है माइनस टू है, यहाँ पर फॉस्फोरस माइनस थ्री है, और यहाँ पर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो अपने पास कितना आ जाएगा, माइनस वन बाय टू, ठीक है सर। तो अब देखना कि यहां से माइनस टू से माइनस थ्री में जा रहा है, एक फास्फोरस से एक का चेंज किया है, दो का, तो दो कितने का चेंज करेंगे, दो का हो जाएगा, दो का चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर एन वन की वैल्यू जो है मैं कितनी ले लेता हूँ, दो ले लेता हूँ, यहाँ पर जो है माइनस दो से जो है वो माइनस हाफ में जा रहा है, तो एक फास्फोरस ने जो है वो कितने का चेंज कर दिया, माइनस मतलब एक तरीके से 1.5 का चेंज कर दिया, तो दो फास्फोरस कितने का चेंज करेगा, तीन का, तो एन टू की वैल्यू आ गई थ्री, तो वैलेंस फैक्टर सर अभी मैंने बताया था n1 n2 यानी कि कितना 6 6 6 5, ठीक है, और ये और इक्विवेलेंट मास जो होगा अपने पास कितना आ जाएगा, इसका इक्विवेलेंट मास अपने पास आ जाएगा m/6 5m/6, ये इक्विवेलेंट मास निकल के आएगा, यानी m में सर कौन सा s, तो m में जो है वो s वाला दो ऑप्शन है, यानी पहला तो कट गया और ये भी कट गया, ठीक है। फिर जो वो अपन बात करें इसकी I2, ये जो एग्जांपल है जो अभी Br2 वाला एग्जांपल सेम वही है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, तो वैलेंस फैक्टर जो वो क्या आएगा सेम ही आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3m by 5, तो इसमें आ जाएगा Q, तो इसमें भी Q है, तो यहाँ से मैच कर गया, C और D और चेक कर लेता है, तो यहाँ पर देखो MnO4 minus, ये Mn plus 2, और यहाँ पर बना Mn3O4, अब इधर से इधर चेक करेंगे, और ऐसी रिएक्शन को सर हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं कहते, ये उल्टा है उसका सर, तो इसको कम प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शन इसका उल्टा, उसमें क्या होता है देखो, इसमें जो एक ऑक्सीडेशन स्टेट दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रही है, और यहाँ दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट से एक में आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है अपने पास कितना हो जाएगा इसका प्लस 8/3, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 8/3, तो प्लस 8/3 से जो है वो अपने पास किसमें आ गए, दो में आ गया, ठीक है, या अगर जो है वो इस क्वेश्चन को अपन ना करके, क्योंकि इसमें फ्रैक्शनल थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा, अपन इसको कर लेते हैं, आंसर तो अपना ही जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये माइनस थ्री है, और ये जो है फॉस्फरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, यहाँ पर प्लस थ्री है, और यहाँ पर फॉस्फरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना प्लस वन, तो प्लस वन से माइनस थ्री में गया, टोटल चेंज कितने का हो सर, चार का चेंज हो गया, बिल्कुल, यहाँ चार का चेंज होगा, तो एन वन की वैल्यू चार, और यहाँ पर जो है वो कितना हो गया प्लस वन से दो का चेंज हो गया, तो वही कितना आएगा 8/6, यानी कि कितना 4/3, तो अपने पास आएगा 3m/4, तो यानी कि p, यानी d में आएगा p, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, ठीक है, और कैलकुलेशन से बचने के लिए अपन ने जो इसको छोड़ दिया, आप चाहो तो सेम तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है सर, तो उम्मीद करते हैं आपके कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 9, द क्लोराइड ऑफ ए मेटल कंटेन 71% क्लोरीन बाय वेट एंड द वेपर डेंसिटी ऑफ इट इज 50, व्हाट इज द व्हाट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, मतलब ये दे रखा है सर कि मुझे एक क्लोराइड है, मेटल क्लोराइड है, ठीक है, उसमें 71% क्लोरीन है, ठीक है, उसकी मुझे वेपर डेंसिटी दे रखी है 50, और कौन-कौन से जो स्टेटमेंट सर, ऐसा क्वेश्चन अपन ने जो है वो आप याद करो पिछले एपिसोड में किया था, पिछले एपिसोड मोल कांसेप्ट, अब उसमें मोल कांसेप्ट को काम में लेकर किया था, इस बार अपन इक्विवेलेंट वेट को काम में लेकर कर लेते हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि अपने पास जो मेटल क्लोराइड है, क्योंकि क्लोराइड तो माइनस वन में होता है, बिल्कुल, और ये वैलेंसी जो है इसकी एक्स मान लेता हूँ, मान लिया मेटल क्लोराइड जो है अपने पास ये है MClX, ठीक है, मैं अगर X निकाल लूंगा तो सर मेरे पास इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला आ जाएगा, मेरे पास इसके फॉस्फेट सल्फेट सबका आ जाएगा फॉर्मूला, X अगर आप निकाल, सब कुछ आ गई, बिल्कुल, तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो उसने ये बोला कि इसमें 71% क्लोरीन है, वेपर डेंसिटी इसकी कितनी है 50 है, तो मतलब मोलर मास देखिए उसने 100, ठीक है, तो इसका जो मोलर मास है, मोलर वेट
ये दे दिया कितना 100, यानी कि 100 में से 71 अपने पास कौन है सर? ऑलरेडी परसेंटेज दे रखी तो 71 क्लोरीन, ठीक है, तो 100 में से 71 क्लोरीन है। आप सोचो 71 क्लोरीन हो सकते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन कितने हो गए सर? दो। 71 बाय 35.5 हमें इक्विवेलेंट मास से ज्यादा इजी तो ये वाला पड़ गया इस बार, ठीक है, तो ये दो, यानी कि अपने पास जो है वो MCl2 हो गया सर। तो M वैलेंसी अपने पास कितनी आ गई? +2, क्लोराइड माइनस। अगर ये ऑक्साइड बनाएगा तो MO टाइप का बना देगा, ऑक्साइड जो होगा M+2 और O-2, यानी कि MO ऑक्साइड हो जाएगा अपना। चेक कर लेते हैं ऑप्शन क्या कहते हैं। तो द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज 29, देख गए तो नहीं हो सकता 29 नहीं हो सकता क्योंकि 71 तो उसमें से क्लोरीन हो गया, तो 29 जो है वो उसका एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर है, वैलेंसी फैक्टर अपने पास 2 आ रहा है तो 29/2 आएगा, तो इसका मतलब ये तो संभव नहीं है। द एटॉमिक वेट ऑफ मेटल इज 29, ये सही बात है। द फॉर्मूला ऑफ मेटल हैलाइड ना +2 आया ना, MX2 होगा, ये गलत है। द फॉर्मूला ऑफ मेटल ऑक्साइड इज MO, ये सही है, तो इसका मतलब बी और डी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। उम्मीद करते हैं इसका भी कांसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। ए कंपाउंड इज मेड अप ऑफ एलिमेंट एक्स वाई जेड विद देयर ऑक्सीडेशन नंबर +3, +5, and +2 रेस्पेक्टिवली, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, ठीक है, तो एक्स वाई जेड है। सबसे पहले आपको संभावित सूत्र देखो सर, यहां संभावित सूत्र का कांसेप्ट क्या होता है थोड़ा सा बता दी सर। जब संभावित सूत्र दे रखा तो हम लोग बहुत सिंपल सा कर सकते हैं, इसमें हमें अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर दे दी तो ओवरऑल तो कंपाउंड न्यूट्रल है। बिल्कुल, यही कंडीशन होती है कि ओवरऑल कंपाउंड अपना कैसा होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है, कि ओवरऑल चार्ज सबके ऑक्सीडेशन नंबर का सम जो है वो जीरो होना चाहिए। अगर जीरो आ गया तो वो फॉर्मूला पॉसिबल है ना? और ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा भी कई और फॉर्मूले हो सकते हैं जिनमें जीरो आता है। तो चेक करते हैं यहाँ जीरो बनता है कि नहीं बनता, अगर बनेगा तो भैया संभव है। चेक करते हैं अगर x का मुझे दे रखा है सर +3 तो 3 का हो गया मेरे पास +9, ठीक है, ऐसे ही मुझे जो y है उसका 8 का +5 दे रखा है तो यहां पर ओवरऑल 3 है मेरे पास में, y जो है वो 3 है तो यहां पे मेरे पास में हो गया +15। हां, और फिर जो z है, z मुझे दे रखा है -2, 1 का -2 है, टोटल 12 है, टोटल 12 है तो मेरे पास में -24 हो गया, तो बिल्कुल सर ये जो -24 मेरे पास में ये 0 आ गया, इसका मतलब फर्स्ट वाला सही है, ठीक है। फिर आपको आगे बोल रहा है two of these elements can be from the same group of the periodic table, कि यहाँ पे जो भी मुझे दे रखे हैं उनमें से दो जो एलिमेंट है वो एक ही ग्रुप से हो सकते हैं। बिल्कुल सर, हो सकते हैं, तो हो सकते हैं क्योंकि +3 और +5 नाइट्रोजन फैमिली में वो, ठीक है, फास्फोरस पॉसिबल है, एक नाइट्रोजन हो सकता है, एक फास्फोरस हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल, तो सेकंड वाला भी जो है पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, सही हो रही है। तीसरा वाला बोल रहा है ऑल द थ्री एलिमेंट्स मस्ट बी नॉन मेटल, जरूरी मतलब यहाँ पे उसने बोला कैन बी, तो कैन बी मतलब हो सकता है, हाँ, लेकिन मस्ट भी बोल रहा है तो ये गलत है क्योंकि मेटल में तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर शो करती है, बिल्कुल, तो इसका मतलब ये शो करते हैं एट लीस्ट टू ऑफ देम मस्ट बी मेटल, क्या ये क्योंकि अभी हमने दोनों जो है वो नॉन मेटल निकाल नाइट्रोजन और फास्फोरस लिया है, इसका मतलब ये भी गलत है, तो केवल ए और बी जो है ना वो अपने पास सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट, बिल्कुल सही। तो ये अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। इन एसिडिक मीडियम 20 ml सॉल्यूशन ऑफ N/0.14 KMnO4 कंप्लीटली रिएक्ट्स विद 20 ml ऑफ H2O2, व्हाट इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, तो H2O2 के वॉल्यूम स्ट्रेंथ से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चन पूछा, लेकिन वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर निकालना है तो मुझे H2O2 की नॉर्मलिटी चाहिए, नॉर्मलिटी चाहिए, और नॉर्मलिटी निकालने के लिए हमें जो है वो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करने पड़े, ग्राम इक्विवेलेंट से इक्वल करने पड़ेंगे। यहां आपको ये जरूर नहीं है कि रिएक्शन याद रखो, ठीक है, एक अंडरस्टूड सी बात होती है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 ये अपने पास इक्वल होंगे किसके सर, H2O2 के, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2। तो देखना कि इसके लिए आपको नॉर्मलिटी दे रखी है 1/0.14 और इसके लिए जो है वॉल्यूम दे रखा है कितना 20। अब दोनों तरफ वॉल्यूम अगर ml में ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मुझे नॉर्मलिटी दे रखी तो मुझे बैलेंस फैक्टर देने की जरूरत, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसकी नॉर्मलिटी इनटू इसका वॉल्यूम जो है वो H2O2 का कितना है सर 20 ml दे रखा है, तो ये कैंसिल हुआ, तो नॉर्मलिटी अपने पास निकल के आ गई H2O2 की कितनी 0.14, ठीक है सर। अब H2O2 के केस में, इसके वॉल्यूमिक स्ट्रेंथ के केस में मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि एक नॉर्मल जो है वो सर 5.6 V के बराबर होता है, यानी एक नॉर्मल H2O2 है तो वो 5.6 वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बराबर होता है, तो अपने पास इतना है तो इसको 5.6 से क्या कर दो सर मल्टीप्लाई कर दो, अपने पास जो 5.6/0.14 करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा कितना सर 40, तो 40 जो है वो उसकी वॉल्यूमिक स्ट्रेंथ होगी, ठीक है सर।
और ये H2O2 के ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, है ना, वॉल्यूम स्ट्रेंथ मोलैरिटी पूछ ली है सब कुछ, लेकिन ये होता क्या है सर? मतलब मैं आपको सर छोटा सा पॉइंट इसमें बता ही देता हूँ, सारा कंफ्यूजन दूर कर देते। देखो सर, H2O2 का जो केस है ना, क्या करते हैं कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो इसकी वॉल्यूमिक स्ट्रेंथ के फॉर्म में लिखी जाती है। और वॉल्यूमिक स्ट्रेंथ होती क्या है, तो इसमें हम बोलते हैं कि 1 ml H2O2 सॉल्यूशन STP पर जितनी ऑक्सीजन देता है, जितने ml ऑक्सीजन के देता है, उसी को हम उसकी वॉल्यूमिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। H2O2 जब टूटता है H2O, ठीक है, और साथ में O2 में, तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है। बिल्कुल। तो अब इस केस में क्या होगा, जैसे मान लो हमारे पास जो 1 molar H2O2 आपको दिया है, 1 molar H2O2 आपको दिया है, ठीक है। तो 1 molar H2O2 का मतलब क्या है सर, कि 1 mole H2O2 is dissolved in 1000 ml of solution. ये इसका मीनिंग है, ठीक है। तो 1 mole है, आप देखो जरा सर, 2 mole से जो है वो अपने पास कितनी, 1 mole बन रहा है, 1 mole का वॉल्यूम कितना, 22.4 liter। बिल्कुल। इसके 2 mole से जो है 22.4 liter बन रहा है, तो इसके जो है वो 1 mole से कितना बनेगा, 11.2 बनेगा, ठीक है सर। अगर जो है वो आप देखो कि 1 mole 1000 liter में है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1000 ml सॉल्यूशन गिव्स 11200 ml O2 at STP। क्यों सर मैं ऐसा बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं सर। तो इसका 1 ml कितना देगा? 1 ml ये अपने पास दे देगा, डिवाइड कर दूंगा इसको कितने से, 1000 से, यानी 11.2 V, ठीक है, इतना वॉल्यूम देगा। तो यही से कंक्लूजन निकलता है बिल्कुल, जो कि 1 molar जो होगा ना, 1 molar वो अपने पास जो कितने V के इक्वल हो जाएगा, 11.2 V के इक्वल हो जाएगा। और नॉर्मलिटी में देखे तो वो 5.6। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वैलेंस फैक्टर H2O2 का कितना है, 2, ठीक है। तो ये कांसेप्ट होता है कि भैया 1 ml H2O2 सॉल्यूशन STP पर जितना वॉल्यूम देता है O2 का, उसी को हम क्या बोलते हैं सर, उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहते हैं। तो मेरे ख्याल से सब कांसेप्ट क्लियर हो गया हो। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। How many moles of KMnO4 would be needed to carry out a complete reaction with 1 mole of ferrous oxide in acidic medium? वही सर, मतलब equivalent वाला question दे रखा है हमें। तो again हमें वही concept लगा ना, दोनों के gram equivalent हम equal कर देते हैं। तो सर मैं क्या बोलूँगा कि gram equivalent of KMnO4 is equal to gram equivalent of ferrous oxide. Ferrous oxide ये अपने पास होता है सर, Fe2O4। अच्छा सर, यहाँ है ना, मैं इन दोनों के बारे में थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगा। बिल्कुल, ठीक है। देखो जरा कि पहले बात तो KMnO4 की बात हम कर लेते हैं थोड़ा सा। KMnO4 के साथ सर कई बार जो है वो हमें कंडीशन एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल देता है। तो एसिडिक मीडियम अगर होता है ना, तो हमें ये ध्यान में रखना होता है कि एसिडिक मीडियम में Mn यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये Mn +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है। ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी भैया, वैलेंसी फैक्टर एसिडिक मीडियम में 5 हो गया, तो यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 5, तो वैलेंस फैक्टर 5। अगर आपको बोले स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम या फिर बेसिक मीडियम, तो इस केस में जो है ये Mn +6 में चेंज होता है, तो यानी यहाँ पर वैलेंस फैक्टर 1, ठीक है। और अगर जो है वो ये आपको बोल दे न्यूट्रल मीडियम, तो न्यूट्रल मीडियम में या माइल्ड बेसिक, तो इस केस में जो है ये Mn +4 में चेंज होता है, यानी वैलेंस फैक्टर कितना आता, 3 हो गया। अब मान लो कई बार जो भूल गए कि नहीं याद है, तो सर मैंने एक ट्रिक बना रखी है इसकी, आप जो बन्ना 135 याद रख लो, आजकल बहुत बन्ना घूमते हैं मार्केट में, तो बन्ना 135 याद रख लो, यानी बेसिक मीडियम में वैलेंस फैक्टर कितना, 1, और न्यूट्रल में कितना, 3, और एसिडिक में कितना, 5। अब तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो यह तो हुई KMnO4 की बात। आयरन ऑक्सीलेट बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, देखो जरा कि जब आयरन ऑक्सीलेट को जो है वो हम क्या करते हैं, किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रखते हैं, ठीक है। तो अब इसमें दो चीजें, ऑक्सीडेशन होता है और कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होता है, दो चीजें। आयरन भी अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करता है +2, और कार्बन जो है वो +3 में, तो दोनों ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करेंगे तो आयरन जाएगा +3 में। आयरन तो बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, आयरन तो बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज जो होता है, Fe+3 में D5 होता है, हाफ फिल्ड होता है, बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा स्टेबल होता है, बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। और कार्बन जो है वो जाएगा किसमें, CO2 में +4 में। तो आप देखोगे कि एक का चेंज तो किसने किया, आयरन ने, और यहाँ पर जो एक कार्बन ने एक का चेंज किया, तो दो कार्बन कितने का करेंगे, दो का। तो ओवरऑल पूरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडेशन नंबर कितना का चेंज कर रहा है, 3 का चेंज कर रहा है, तो इसका वैलेंस फैक्टर 3 होता है, 3 हो गया। तो ये वैलेंस फैक्टर बताने के लिए मैंने आपको ये सारी चीजें बताई है, उम्मीद करते हैं आपके समझ में आई होगी। तो हमें क्या करना है कि KMnO4 के ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वल करना है किसके साथ सर,
आयरन ऑक्सीलेट के ग्राम इक्विवेलेंट फेरस ऑक्सीलेट क्यों सर ऐसा ही करूंगा बिल्कुल तो KMnO4 के जो है वो आपको हाउ मेनी मोल मोल पूछे मोल इनटू वैलेंस फैक्टर देखो एसिड इक्विडियल बनना 135 याद रख लो भैया 5 आयरन ऑक्सीलेट का वैलेंस फैक्टर कितना 3 और इसके जो है वो इसका 1 मोल दे रखा है तो N=2 आगे 3/5 तो अपने पास जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है उम्मीद करते हैं आपको कांसेप्ट और ट्रिक दोनों अच्छे से समझ में आ गई होगी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा इन द टाइट्रेशन ऑफ 0.2 ग्राम H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 10 ml ऑफ 1 नॉर्मल KMnO4 हैज बीन यूज्ड परसेंटेज प्योरिटी ऑफ H2O2 मतलब कि यहां पे मैं H2O2 का पहले अमाउंट निकाल लेता हूं ऑलरेडी जो मुझे ये अमाउंट दे रखा है ये तो इंप्योर है इंप्योर है ये तो इंप्योर है यहां पे परसेंटेज आ जाए ठीक है मतलब प्योर कितना काम में ले रहा हूं मैं हाँ। वो निकाल लेता हूं तो परसेंटेज आ जाए वही ग्राम इक्विवेलेंट्स वगैरह यूज करके तो मेरे पास में H2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 KMnO4 ये सर H2SO4 प्रेजेंस कर रहा है तो एसिडिक मीडियम बिल्कुल एसिडिक मीडियम को इंडिकेट कर रहा है तो अगर मैं देखूं कि सर ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 तो KMnO4 के सर ग्राम इक्विवेलेंट is equals to gram equivalent of equivalent is equal to H2O2 के gram equivalent gram equivalent तो मेरे को इसका मास निकालना सर बिल्कुल निकालना है सर KMnO4 का तो आपको क्या दे रखा है मुझे ml दे रखा है सर नॉर्मलिटी 1 दे रखी है 10/1000 10/1000 करना पड़ेगा क्योंकि उस तरफ मास निकालना तो मैं मोल इनटू वैलेंस फैक्टर लगाना चाहूंगा बिल्कुल तो मोल जो है वो गिवन मास अपॉन मोलर मास कितना 34 इनटू वैलेंस फैक्टर इसका हमेशा कितना होता है 2 लेते हैं 2 लेते हैं ठीक है इस कंडीशन में 2 लेते हैं बिल्कुल तो ये हुआ कैसे ठीक है तो अपने पास x की वैल्यू जो है वो ये कितना आएगा 17 तो ये आ जाएगा 17/100 इतना मास जो है वो अपने पास किसका H2O2 का ये तो अपने पास एक तरीके से ये है कि प्योर कितना है यानी जो भी सैंपल है ना उसमें H2O2 केवल 0.17 है बाकी सारी इंप्योरिटीज है तो परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है तो सर कैसे निकालेंगे सर सिंपल सा है कि जो एक्चुअली मेरे पास में है उस इंप्योर में जो H2O2 है प्योर है वो मेरे पास में 0.17 है ठीक है और इंप्योर मुझे दे रखा है 0.2 और क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बिल्कुल सर और ये अब अगर मैं सॉल्व करूंगा सर मैं परसेंटेज 85 के आसपास है तो ये 85 आ जाएगा ठीक है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट तो ये भैया ऐसा क्वेश्चन भी आपको दे सकता है जिसमें एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है वो आपसे पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा 50 ml ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2O2 वाज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ KI H2O2 को हम लोगों ने KI के साथ में रिएक्शन करवाई एंड डाइल्यूट H2SO4 आयोडीन लिबरेट हो रहा है मतलब ये तो आयोडी आयोडोमेट्रिक और आयोडीमेट्रिक अक्सर जो है बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है बट मुझे तो लगता है कि वो इतना वो ध्यान देना ही चाहिए मतलब वो कांसेप्ट वही है ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करते हैं भैया कोई भी टाइट्रेशन हो इस चीज में आपको बता देता हूं रेडॉक्स से रिलेटेड जो है कोई भी किसी भी प्रकार का टाइट्रेशन आ जाए आपको कुछ भी करने को नहीं मिले तो भैया ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर देना और ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल कर दे कुछ ना कुछ तो वहां से लेके आओ सही है The liberated iodine required 20 ml of 0.1 normal molar Na2H2O3 solution for the complete reaction. Calculate concentration of H2O2 in gram per liter. ठीक है, ठीक है. मतलब सर, मतलब दो रिएक्शन हमें दे रहा है एक तरीके से कि H2O2 से पहले KI के साथ में रिएक्शन करके I2 बनाया. ठीक है. फिर जो I2 मतलब है, H2O2 की सबसे पहले मैं KI के साथ रिएक्शन करवाऊंगा. यहाँ से iodine निकली. अब इस आयोडीन को ले लिया यहाँ से और ये जो आयोडीन है वो फिर Na2H2O3 के साथ में ठीक है इसको जो है वो हाइपो सॉल्यूशन इसको बोलते हैं इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये अगेन जो वापस से I- में कन्वर्ट होगा ये कन्वर्ट होता है सर Na2H4O6 में ये रिएक्शन बिल्कुल ठीक है सर तो मुझसे यहीं पे पूछा है कि ये सब वैल्यूज मुझे दे रखी है और H2O2 मुझे पूछा है कि इसकी कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर तो एक काम करते हैं हम लोग पहले नॉर्मल निकाल लेते हैं उसको हम लोग मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो सिंपल है कि जैसे हम लोगों को पता है कि इसका इक्विवेलेंट इसके इक्विवेलेंट के बराबर होगा यहाँ पर मैं ऐसा करूंगा H2O2 का इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट I2 के ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल होंगे सब कुछ बराबर हाँ? होता है H2O2 ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I2 ग्राम इक्विवेलेंट ठीक है इक्वल्स टू और नीचे वाले रिएक्शन में I2 के ग्राम इक्विवेलेंट इसके ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल होंगे या इसके ग्राम इक्विवेलेंट के भी इक्वल होंगे क्वेश्चन में जो डेटा दिया आपको वो काम में लेना जब भी एक रिडॉक्स रिएक्शन डायरेक्टली आप रिएक्टेंट के साथ देख लो या प्रोडक्ट के साथ देख लो इक्विवेलेंट हमेशा बराबर होंगे तो अब इसमें देखो जरा आपको 0.1 मोलर Na2H2O3 दे रखा है इसके इक्वल कर रखा है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ये इक्वल होगा अपने पास किसके ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3 के ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होगा यानी मैं डायरेक्टली ऐसा बोल सकता हूं ये और ये दोनों डायरेक्टली ले लेते बिल्कुल तो अब इसमें देखना इसके ग्राम इक्विवेलेंट मेरे को Na2H2O3 के इक्वल करने हैं इसके ग्राम इक्विवेलेंट के लिए मैं मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर इसका 2
इनटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जो है वो आपको H2O2 का कितना दे रखा, 50 ml दे रखा है, तो 50 ml है, इधर ml है तो उधर भी अपन ml में लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जो है वो आपको Na2S2O3 इसका 0.1 दे रखा है और 20 ml दे रखा है, 20 ml दे रखा है, ठीक है, 0.1 तो इसका जो है वो 0.1 और इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा सर, 1 और ये 20 ml, वैलेंसी फैक्टर 1, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। तो आप यहां पर देखोगे ना तो सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ना वो आप देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा +2 और यहां पर आ रहा +2.5, क्यों सर? तो एक सल्फर के लिए 0.5 है लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल, ओवरऑल मॉलिक्यूल के लिए एक आएगा क्योंकि दो सल्फर है ना, तो इसलिए एक लिया है मैंने, तो ये हुआ जी कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये लो जी ये हुआ कैंसिल, तो अपने पास एम की जो वैल्यू है ये निकल के आ गई 0.1/5, ये मेरे पास H2O2 की मोलरिटी है। लेकिन हमसे जो मोलरिटी नहीं पूछी, हमसे ग्राम पर लीटर में पूछा, तो मोलरिटी देखो, मोलरिटी सर गिवन मास अपॉन मोलर मास 34 इनटू वॉल्यूम, अगर लीटर में लूंगा आप देखो ये क्या है, ये तो है x अपॉन v, तो x अपॉन v हमें पूछा है, ये चीज हमें पूछी है, तो मोलरिटी कितनी आई 0.1/50 इनटू कर देता हूं 34, मतलब सीधा-सीधा उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, ग्राम में कुछ नहीं करना, तो इसको सॉल्व करूंगा तो ये सब कितना आ जाएगा, 0.68 ग्राम पर लीटर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कांसेप्ट आपको समझ में आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओके एक-एक करके सारे स्टेटमेंट देखते हैं, बिल्कुल काफी अच्छा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, सारा सारा चैप्टर कवर जो करना है आपको, गुरुनिधि का कांसेप्ट ही अपना ही, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन P4 इज 4, ये तो गलत है क्योंकि किसी भी एलिमेंट के फ्री स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है भैया, 0 होता है, तो पहला अपने पास गलत हो गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CrN CrNH3 होल सेक्स Cl3 इज +3, ये भी गलत है, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, देखो जरा अमोनिया जो है वो न्यूट्रल होता है, हां तो ये 0, तो ये +6 आ ही नहीं सकता, +3 आएगा, +3 आएगा, तो ये भी गलत है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन बोथ NH3 एंड N3H इज -3, ये संभव ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, तो यहां -3 है, यहां पर -1/3 आएगा, ठीक है, बिल्कुल ये संभव ही नहीं है। HNO2 can act both as reducing agent and an oxidizing agent, but HNO3 act only as an oxidizing agent. ये सर कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें अच्छा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल अपन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए, बिल्कुल सर, क्योंकि नाइट्रोजन जो है, अब या नाइट्रोजन के अलावा अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट ले लूं जो कि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में, कि वो वहां से मैक्सिमम पे भी जा सकता है, मिनिमम पे भी जा सकता है, तो वो दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग भी और रिड्यूसिंग भी, लेकिन अगर कोई ऑलरेडी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और अगर कोई अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो अब स्टेटमेंट में HNO2 में देखो नाइट्रोजन अपनी +3 में ऑक्सीडेशन स्टेट में, बिल्कुल, तो नाइट्रोजन +5 में जा सकता है, ऑप्शन है इसके पास, नाइट्रोजन -3 में भी जा सकता है लोएस्ट में, बिल्कुल, तो ये दोनों की तरह काम कर सकता है, बिल्कुल सही है, सही बात है। HNO3 acts only as oxidizing agent already +5 पे, भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज करना पड़ेगा, इसकी औकात नहीं है कि ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर ले, ऑलरेडी +5 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, नहीं हो सकता, हो सकता है एक ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा, तो बिल्कुल सही बात है, तो स्टेटमेंट करेक्ट है, सही, ठीक है। अगला स्टेटमेंट, रिएक्शन बिटवीन NaOH एंड H2SO4 इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ये तो एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन अभी अपन ने चर्चा करी थी, एसिड बेस रिएक्शन हो जाए, आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाए, हमेशा नॉन रिडॉक्स होता है, नॉन रिडॉक्स, इसलिए बोल रहा है रिडॉक्स ना, गलत है। Next question. In Fe3O4, all the iron atoms are in the same oxidation state. नहीं, ये mix oxide होता है. बिल्कुल mix oxide होता है. Fe2O3 plus साथ में FeO. इससे मिलके बनता है. बिल्कुल. दोनों को मिलाओगे तो Fe3O4 बनेगा. एक plus three. तो एक तो plus three, एक plus two. इसका मतलब ये भी गलत है. The element which you highest oxidation number of +8 is OS in OSO4. सही है. पूरी periodic table में osmium जो है वो osmium tetraoxide में highest oxidation number show करता है +8. अगर मान लो कहीं पर +8 से ज्यादा आ रहा है ना, इसका मतलब गलत आ रहा है, हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो ये वाला सही है। नेक्स्ट, इन द रिएक्शन द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2S2O3 इज इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट, अभी अपन ने चर्चा करी थी कि इसका जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो 1 होता है, तो इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट दोनों बराबर है, बराबर हो जाएंगे, तो ये सही है। नेक्स्ट, बोथ इन CH4 एंड CO2 कार्बन हैज द सेम ऑक्सीडेशन नंबर, गलत, क्या देखो जरा कि कार्बन में यहां पर -4 होगा, यहां पर +4 होगा, तो ये तो गलत हो गया, गलत हो गया। तो आपको क्या पूछा ऊपर, कितने कदम सही है, कितने, तो एक तो चौथा सही हो गया सर, फिर जी का सही हो गया, तीन स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। तो ये है पूरा चैप्टर अपन को कवर करना, तो ऐसा क्वेश्चन तो अपन को लेने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, आपके जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर के जो भी रूल थे ना प्रिडिक्ट करने के, वो सारे इस पर कवर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर,
क्वेश्चन नंबर 16 MnO4- आर रिड्यूस्ड इन एसिडिक मीडियम टू Mn+2 वेयर एज दे आर रिड्यूस्ड इन न्यूट्रल कंडीशन टू MnO2। मतलब सर बेसिक सी इंफॉर्मेशन दे रखी हमें बनना 135 वाली। बिल्कुल वही चीज है कि एसिडिक मीडियम में MnO4- जो है ये कन्वर्ट होता है किसमें? Mn+2। ये तो हुआ एसिडिक में, बिल्कुल बोल रखा है। बेसिक में जो है ये चेंज होता है किसमें सर? मतलब कि एक सॉल्यूशन है मेरे पास में x है, उसमें Fe+2 है और उसका 25 ml लिया है, उसका 25 ml लिया है, ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन y है, ठीक है, उसमें MnO4- है, उसका 20 ml लिया है, बिल्कुल ठीक है। ये इतनी इंफॉर्मेशन मुझे दे रखी है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में व्हाट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन y वुड बी रिक्वायर्ड इन न्यूट्रल मीडियम टू ऑक्सीडाइज 25 ml ऑफ सॉल्यूशन x। मतलब अब मुझे दूसरा केस दे दिया कि अब न्यूट्रल कंडीशन है, x वही मेरे पास जो Fe+2 था उसका 25 ml ऑक्सीडाइज करना है, लेकिन इस बार न्यूट्रल कंडीशन में और वॉल्यूम ऑफ y मतलब MnO4 का कितना वॉल्यूम मुझे जरूरत होगी वो पूछा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज जो है ना वो समझना बहुत जरूरी, बिल्कुल। अगर लैंग्वेज समझ में आ गई तो भैया तुरंत अप्रोच लग जाएगी, लैंग्वेज ही समझ में नहीं आई तो भैया अप्रोच लग ही नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन में जो है ना आपको जो चीज पूछ रखी है वो मैं सिंपलीफाई कर देता हूं। हमारे पास एक सॉल्यूशन है x, एक सॉल्यूशन है y। यहां पर x जो सॉल्यूशन है इसमें Fe+2 है और इसमें MnO4-, ठीक है। अब फर्स्ट केस में, केस फर्स्ट, मीडियम जो है वो एसिडिक लिया गया है, एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में आपको ये बोल रखा है इसका जो x का 25 ml Fe+2 ले रखा है और इसको कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए इसके 20 ml की जरूरत है, 20 ml MnO4- चाहिए। तो अब यही बोल रखा है कि अगर मैं केस सेकंड में न्यूट्रल ले लूं तो इस केस में क्या होगा? इसके 25 ml के लिए, 25 ml Fe+2 के लिए कितना ml मेरे को MnO4- चाहिए? मतलब भाई ये मुझे x का, ये y का वॉल्यूम पूछा मुझे, ठीक है। और ये क्वेश्चन को मैंने सिंपलीफाई कर दिया। हम तो एक ही तरीका जानते हैं, रेडॉक्स में कभी भी अटक जाए तो मैंने आपको कहा था किसके पास चले जाओ? ग्राम इक्विवेलेंट के पास चले जाओ, इक्विवेलेंसी लॉ के पास चले जाओ। तो मैं पहले केस में ऐसा बोलूंगा, देखो जरा कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2 इज इक्वल टू सर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4-, ठीक है सर, बिल्कुल। तो इसके और वॉल्यूम जो है इसका कितना 20, ठीक है। तो मेरे पास M1/M2 ये रेशियो निकल के आ गया कितना सर? 4 आ जाएगा। अब आप देखो कि सॉल्यूशन x और y सर सेम है, बस मीडियम चेंज किया है, इसका मतलब दोनों की मोलरिटी तो बदलनी नहीं है या मोलरिटी का रेशियो भी सेम ही रहेगा? बिल्कुल, मोलरिटी नहीं बदलेगी, रेशियो सेम रहेगा। सेकंड केस में मैं यही काम कर देता हूं, अगेन मैं बोलूंगा कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe+2 इज इक्वल टू सर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4- यही करूंगा, बिल्कुल। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए इसकी मोलरिटी सर M1, वैलेंसी फैक्टर इसका तो सेम ही रहेगा, वही रहेगा, क्योंकि चाहे मीडियम एसिडिक हो चाहे बेसिक हो इसका आयरन तो +3 में ही जाता है, इसका तो ऑक्सीडेशन ही होना है। फिर इसका वॉल्यूम जो इस बार 25 लिया है, पहले भी 25 ही लिया था, इसकी मोलरिटी M2 ही रहेगी क्योंकि सॉल्यूशन को चेंज नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया, मीडियम चेंज किया है, वैलेंसी फैक्टर चेंज होगा, और वैलेंसी फैक्टर चेंज होगा तो बेसिक मीडियम में इसका वैलेंसी, न्यूट्रल में इसका कितना होता है सर? 3 होता है, और इसका वॉल्यूम आपसे पूछा है कि इस बार कितना ml चाहिए, खत्म बात। तो भैया इसको जो है एक काम करता हूँ, M1/M2 लिख सकता हूँ सर इसको, तो M1/M2 कितना है? 4, तो 4×25 बराबर अपने पास आ जाएगा M2, ओके, M2 तो जो है वो हमने हटा ही दिया, तो ये आएगा कितना VML, इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, तो ये अपने पास आएगा 3×VML 100/3 हो गया, 100/3 का मतलब कितना होगा 33.33 ml। तो ये है अपना क्वेश्चन, वैसे मतलब छोटा सा इसमें खैर सॉल्यूशन हम लोगों ने बहुत सिंपल करके समझाया है। वैसे मैं एक ये भी देख सकता था कि यहाँ पे जो एफी का वॉल्यूम है मेरे पास वो दोनों तरफ सेम है, दोनों में सेम ही है, तो मैं जब ग्राम इक्विवेलेंट है तो मैं डायरेक्टली एसिडिक मीडियम के ग्राम इक्विवेलेंट और न्यूट्रल के इक्वल कर सकते हैं, हां बिल्कुल वैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें जो थर्ड ऑप्शन अपना सही है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज आपके समझ में आई होगी। लैंग्वेज समझना मेजर चीज है, क्योंकि लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी तो क्वेश्चन का फ्लो बनेगा ही नहीं।
जब तक क्वेश्चन का फ्लो चार्ट नहीं बनेगा अपन क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे, और ऐसे क्वेश्चन करना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। आउट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिसप्रोपोर्शनेशन इज नॉट ऑब्जर्वड इन, कौन सी रिएक्शन है जिसमें डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं होता, मतलब कि जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन सेम एलिमेंट का रिडक्शन, रिडक्शन मॉलिक्यूल भी सेम होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल एक ही एलिमेंट का। हाँ बिल्कुल, तो अपने पास जो जैसे अमोनियम नाइट्रेट है तो इसमें नाइट्रोजन जो है वो अगर हम देखें अमोनियम नाइट्रेट में, अगर आपको नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो फिर इसको ब्रेक करना पड़ेगा, पहले तरीका यही होता है अपने पास प्लस और NO3 है ना, यहां पर तो प्लस 5 है, बिल्कुल 5 और यहां पर कितना हो जाएगा -3 है, तो -3 प्लस 5 और यहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा सर अपने पास 1 हो जाएगा, ये तो प्लस 1 हो जाएगा। तो आप देखो दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट से एक में जा रहा है, उल्टा हो गया ना, कंपेटिटिव प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो ये वाला डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं है, पहला ही हो गया, बाकी भी चेक कर ही लेते हैं, कर लेते हैं। यहाँ पर कॉपर जो है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्लस 1 में है, यहाँ पर कॉपर प्लस 2 में है, यहाँ 0 में, प्लस 1 से प्लस 2 में जाना ऑक्सीडेशन, दोनों का ये रिडक्शन, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है। बिल्कुल H2O2 डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करता ही करता है, H2 और O2 में टूटता है, कर रहे हैं यहाँ पे -2 और 0, बिल्कुल ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन है। इसको देखो ये सल्फर 0 में है, बिल्कुल, और यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया प्लस 4 हो गया, और इसमें कितना हो गया -2, तो ये तो हो गया जी ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो गया भैया रिडक्शन, यहाँ भी दोनों हो गए, तो ये भी डिस्प्रोपोर्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन है डिस्प्रोपोर्शनेशन टू कम प्रोपोर्शनेशन, उम्मीद करते हैं अच्छे से आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। Equivalent weight of Br2 is 96 in the following disproportionation reaction. Okay. Okay. मतलब सिंपल सा equivalent weight पूछा है। ये अलग-अलग ऑप्शन दे रखा है। तो equivalent weight 96 कब होगा? ये मुझे जो equation दे रखी है उसमें x क्या होगा? ये पूछ। Valence factor निकाल लेते हैं। वही जो हम लोगों ने आपने किया था थोड़ी देर पहले। तो अपन एक काम करते हैं, देखना जरा कि हमें पता है कि equivalent weight जो है वो अपने पास होता है molar mass by valence factor। तो Br2 का कितना होता है सर? और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा कितना 5/3 ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वैलेंस फैक्टर जो है 5/3 आना चाहिए। तो हम लोग और वैलेंस फैक्टर 5/3 आने के लिए हमें जो है ये चेक करना पड़ेगा। देखो जरा ये 0 से जो है वो कितना गया -1, यानी N1 की वैल्यू 2 और ये जो है वो N2 की वैल्यू जो है वो मैं निकाल लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है, N की वैल्यू आपको कितनी दे दी 5/3, मतलब इसी के इक्वल रख देते हैं हम लोग। बिल्कुल, तो वही काम करना है, N इक्वल टू क्या बताया था N1 N2 upon N1 plus N2। हम चाहे तो यहाँ से N2 निकाल सकते हैं। बिल्कुल N2 निकालूंगा तो N2 की वैल्यू 10 आएगी, यानी कि एक ब्रोमीन जो है ना Br2 का एक मॉलिक्यूल 10 इलेक्ट्रॉनों का चेंज करेगा, और 10 का चेंज करेगा तो एक ब्रोमीन 5 इलेक्ट्रॉनों का चेंज करेगा। Br2 है 2 है तो वो 10 का करें तो एक सिंगल ब्रोमीन 5 का चेंज करेगा। अब ये 0 से -1 में तो जा रहा है, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन लूज करवा दो। ठीक है सर, तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज कराऊंगा तो नई ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर क्या होना चाहिए प्लस 5। जो क्वेश्चन अभी अपन ने किया था ना उसका जस्ट अपोजिट करना है, ऐसा क्वेश्चन जो अभी मैंने आपको जो कॉलम मैचिंग वाला क्वेश्चन बताया था बिल्कुल उसका अपोजिट करना। क्यों सर? तो इसमें जो आंसर कौन सा हो जाएगा Br(O3-). उम्मीद करते हैं कांसेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इन द रिएक्शन Cr2O7-2, मतलब ये रिएक्शन दे रखी है मुझे, रेशियो ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ Cr2O7-2 एंड H2SO3 यूज्ड इन दिस रिडॉक्स रिएक्शन इज, सर ये तो मतलब बहुत ही सिंपल है कि अगर कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन है तो वहां पे जो इक्विवेलेंस होते हैं मेरे पास में वो इक्वल होते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन आ जाए इक्विवेलेंट हमेशा क्या होता है, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल ही होता है, तो रेशियो हमेशा कितना आएगा 1:1। वो सोचना ही नहीं, सिंपल सा कांसेप्ट है। देखो रेडॉक्स में ये बहुत जरूरी चीज है कि लास्ट वाला जो पोर्शन आता है जिसमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की बात करते हैं, कई बार दिक्कत आती है बच्चों की कि सर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का क्वेश्चन नहीं होते, कांसेप्ट उसमें पूरे में एक ही है, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए कि ग्राम इक्विवेलेंट हमें इक्वल करने होते हैं। जितनी भी स्पीसीज है, चाहे आपको ये दे दिया ये दे दिया ये दे दिया, कोई भी स्पीसीज जो रिएक्शन कर रही है इसमें जितनी भी स्पीसीज है सबके ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। 0.3 ग्राम ऑफ ए सैंपल ऑफ ऑक्सलेट सॉल्ट इज डिसॉल्वड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, मतलब कि इतना मेरे पास में ऑक्सलेट सॉल्ट दे रखा है, सैंपल था यानी इसमें से कुछ ऑक्सलेट है कुछ इंप्योरिटीज हो सकती है। ठीक है, इट डिसॉल्वड इन 100 ml ऑफ वाटर, इट रिक्वायर्ड 90 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ml हो गया 90 ml ऑफ N/20 KMnO4 सॉल्यूशन फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, पूरा ऑक्सीडाइज कर दिया, रिडॉक्स रिएक्शन होने दे रखी है।
the percentage of oxalate ion in the given sample is, अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों ने H2O2 की हमने percentage purity निकाली थी, बिल्कुल वही काम आपको करना है। तो इसके लिए मैं ये मान के चलता हूँ कि मान लो यहाँ पर x ग्राम जो है वो अपने पास ऑक्सिलेट है, बिल्कुल दे रखा है, तो दोनों ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल करूंगा मैं, तो एक ही काम करता हूँ भैया रेडॉक्स में, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ C2O4-2 is equal to ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4, क्यों सर यही करेंगे? हां तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए इसके मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी, तो मोलैरिटी गिवन मास अपॉन इसका मोलर मास होता है 88 इनटू वॉल्यूम कितना 100 और ऊपर क्या लगाना पड़ेगा 1000, ये तो आई मोलैरिटी, मोलैरिटी अब इसका पूरा 100 ml ही काम में ले लिया, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम कितना 100 और वैलेंस फैक्टर 2 होता है, ये अपने पास आ गए ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सिलेट ऑक्सिलेट। अब KMnO4 के लिए नॉर्मलिटी दे रखी है 1/20 इनटू वॉल्यूम दे रखा है कितना 90 ml 90 अब देखो इधर 100 ml लिया है तो यहां पर भी मैंने ml लिया है, कंफ्यूज मत होना कि सर इसको लीटर में बदल दिया ना, इस मोलैरिटी वाले सॉल्यूशन का 100 ml लिया है तो इधर ml बिल्कुल ml है, ये भी ये वॉल्यूम भी ml है, तो यहां से अगर मैं क्या करूंगा भैया ये हुआ कैंसिल, ये आ गया कितना 44, तो x की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो x 0.198 निकल के आएगी, मतलब वेट आ गया मेरे पास में ऑक्सिलेट, यानी कि 0.3 ग्राम में से इतना ही है ऑक्सिलेट, तो परसेंटेज कितना आ जाएगा सर, टोटल कितना है 0.3 0.198 इनटू 100 और इसको सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 66%, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। तो भैया ये अपनी जो है वो थर्ड गुरु नीति 3/45 रेडॉक्स से रिलेटेड, गुरु नीति में पूरे जो है वो आपको 180 टॉपिक मिलेंगे, अगर आपने जो है पूरे 180 टॉपिक रिवाइज किए हैं तो गारंटी के साथ जो वो नीट में आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकेगा, ठीक है, बिल्कुल क्यों सर, हर कंसेप्ट पे क्वेश्चन है, हाँ, और जो है वो यहाँ से आप नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अपना 4 नंबर होगा, उसमें आपको एक नया टॉपिक मिलेगा, नए क्वेश्चन जिनमें पूरे चैप्टर रिवाइज होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, थैंक यू, तब तक देखते रहें पढ़ते रहें, टाटा बाय बाय।